मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, एक छोटी सी कहानी और सदगुरु कबीर के विचार एक विद्यालय में एक दिन अध्यापक बच्चों को समझा रहे थे कि बच्चों जो आदमी इस दुनिया में धर्म परोपकार पुण्य के कर्म करता है मरने के बाद वह स्वर्ग जाता है और सब प्रकार के सुखों का उपभोग करता है। स्वर्ग में केवल सुख ही सुख है, वहां दुख का नाम भी नहीं। और जो आदमी इस धरती में इस जीवन में अधर्म पर पीड़न पाप कर्म करता है मरने के बाद वह नरक जाता है और नरक में अनेक प्रकार के असहनीय दुखों को से सहना पड़ता है। नरक में दुख के अलावा कुछ नहीं, सुख का वहां नामो निशान नहीं, केवल दुख 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 है। फिर अध्यापक ने बच्चों से पूछा, बच्चे अब तुम लोग समझ गए होगे कि स्वर्ग और नरक में क्या फर्क है। बच्चों ने कहा, हाँ सर समझ गए कि स्वर्ग में केवल सुख ही सुख है और नरक में केवल दुख ही दुख है। तो अध्यापक ने बच्चों से पूछा, अच्छा बताओ बच्चों, आप तुम ये बताओ कि तुम लोग स्वर्ग जाना चाहते हो या नरक जाना चाहते हो। जो बच्चे स्वर्ग जाना चाहते हैं वे हाथ उठाएं। स्वर्ग और सुख कौन नहीं चाहेगा, सभी बच्चों ने हाथ उठाया, केवल एक बच्चा हाथ नहीं उठाया, चुपचाप बैठा रहा गया। अध्यापक को आश्चर्य हुआ कि सारे बच्चे स्वर्ग जाना चाहते हैं इसलिए हाथ उठा दिए, ये बच्चा हाथ नहीं उठा रहा है। फिर पूछा, बच्चों अब तुम लोगों में से जो नरक जाना चाहता है वह हाथ उठाए। किसी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया, वह बच्चा भी नहीं हाथ नहीं उठाया जो स्वर्ग जाने के लिए कहा था। तब अध्यापक और हैरान, न ये बच्चा स्वर्ग जाना चाहता है न बच्चा नरक जाना चाहता है। तो उस बच्चे को अध्यापक ने अपने पास बुलाया और कहा, बेटे तुमने मेरी बातों समझ लिया था ना। हाँ सर, आपने बताया कि स्वर्ग जाने वाले को केवल सुख मिलता है और नरक जाने वाले को केवल दुख मिलता है, ये बात आपने बताई। तो उसने कहा, तो बेटे तो ये बताओ, न तो तुम स्वर्ग जाने के लिए हाथ उठाए न तुम नरक जाने के लिए हाथ उठाए, आखिर तुम जाना कहाँ चाहते हो। तो बच्चे ने कहा, सर जब मैं अपने घर से विद्यालय आने के लिए निकला था तब मेरी माँ ने कहा था, देखो बेटा तुम घर से सीधे विद्यालय जाना और जब छुट्टी हो जाए कहीं और जाकर सीधे घर आना, इसलिए सर न मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ न नरक जाना चाहता हूँ, मैं तो अपने घर जाना चाहता हूँ।
आपको अपना घर पता है? हमारा घर कहाँ है? अब आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कि हमारा मठ, हमारा आश्रम प्रयागराज में है। आप पूछेंगे तो बता दें, आप पूछा जाए बता देंगे कि हमारा घर इस मदनपुर में है, या कोई कहे मधेपुरा में, कोई कहे और है। लेकिन ये घर कब से हुआ? जन्म के बाद। जन्म के पहले हम और आप कहाँ थे? हम जिस घर को आज हम अपना घर कहते हैं, वह घर कब तक है? जब तक जीवन है तब तक। जीवन के समाप्ति के बाद हमारा घर कहाँ होगा? जिसे हम आज अपना घर कहते हैं वह एक पड़ाव है। हम सब कर्म की यात्रा में निकले हुए हैं और कर्म की यात्रा में आज इस मनुष्य शरीर में आए हैं। ये मनुष्य शरीर भी एक पड़ाव है और एक अपना गांव, अपना घर मान लेते हैं, वह भी एक पड़ाव है, वहां रहते हैं। और ये जिसे हम पड़ाव कह रहे हैं, जिसे घर कह रहे हैं, उसकी आवश्यकता है। यदि किसी आदमी के पास अपना एक घर ना हो, चाहे वो घर फूस की झोपड़ी ही क्यों ना हो, तो सहज समझा जा सकता है कि उस आदमी को कितनी परेशानी होगी। ठंडी से, गर्मी से, बरसात से बचने के लिए, सिर छिपाने के लिए जगह ना हो, दिन भर काम करने के पश्चात रात्रि विश्राम के लिए जगह ना हो, जीवन निर्वाह की जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए कोई जगह ना हो, छोटे बच्चे हैं, बीमार हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी रक्षा के लिए कोई अपना एक घर ना हो, अपनी जगह ना हो, तो आदमी को कितनी परेशानी होगी, कितनी मानसिक एक पीड़ा और चिंता होगी, सहज समझा जा सकता है। इसलिए हर आदमी का अपना एक घर होना चाहिए। लेकिन यह समझते रहना होगा कि यह घर एक पड़ाव है, एक धर्मशाला है, आ गए हैं और आगे चलना होगा। ये घर शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन ये जीव का घर कहाँ है? जहां जाकर के जीव को पूर्ण विश्राम मिल जाए, जहां जाकर के फिर वापस ना आना पड़े, लौटना ना पड़े, वो घर कौन सा घर है, कहां है? इसी बात को सामान्य लोगों को समझाने के लिए धार्मिक संप्रदायों में, मत मजहबों में अनेक लोक, अनेक धाम की कल्पना की गई है। गोलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, साकेत लोक, धूर्धाम, ब्रह्मधाम, सतलोक या और नाम अनेक है। हर मत पंथ वालों का अपना अपना एक लोक है, हर मत पंथ वालों का अपना अपना धाम है। और जिस मत का जो लोक है, जिस मत का जो धाम है, वहां पर केवल उसी मत वाला ही जा सकता है, औरों के लिए प्रवेश वर्जित है, वहां भी संकुचितता है। जैसे धर्म में, जैसे हम लोगों ने संसार में घेराबंदी बना लिया है ना, धार्मिक लोगों ने वहां भी घेराबंदी बना लिया है। सतलोक में केवल कैरपंथी जा सकते हैं बस, साकेत लोक में राम उपासक जा सकते हैं, गोलोक में कृष्ण उपासक जा सकते हैं, शिवलोक में केवल शिव उपासक जा सकते हैं, दूसरों के लिए प्रतिबंध है, याद रखना, पासपोर्ट चाहिए वहां भी जाने के लिए। ये कैरपंथी है, ये वैष्णव है, रामायण, वहां भी वीजा चाहिए, वहां भी पासपोर्ट चाहिए। कैसा दिमाग है आदमी का। दुनिया को तो बांटा, जिसे भगवान कहते हैं, जिसे धाम, मुक्ति धाम का, तो वहां भी बंटवारा कर लिया। बांटने की आदत है ना, ये बांटते बांटते आदमी ने इतना कुछ बांट डाला, इतना कुछ बांट डाला है कि क्या कहा जाए। ये सारा बंटवारा
चाहे सतलोक जिसे कई पंथी लोग कहते हैं, चाहे सतलोक हो, चाहे गोलोक हो, चाहे सागर लोक हो, शिवलोक हो, ब्रह्मलोक हो, चाहे धूर्धाम हो, चाहे चंद्रशिला हो, ये सब हमारे मन की मान्यता है, मन का खिलौना है, मन का खेल है, बस कुछ नहीं है। और समझाने के लिए है एक बस, जीव का जो लोक है। अच्छा ये बताओ, ये जो जीव है, एक जो अपने को मुसलमान मानता है, उस मुसलमान के शरीर में जो जीव है, जो एक अपने को हिंदू मानता है, उस हिंदू के शरीर में जो जीव है, जो अपने को ईसाई मानता है, उसके शरीर में जो जीव है, जो अपने को यहूदी पारसी या सिख मानता है, उसके शरीर में जो जीव है, कोई अपने को बौद्ध मानता है, जैन मानता है, उसके शरीर में जो जीव है, वो जीव ही कैरपंथी और वैष्णव वेदांती है क्या? हिंदू मुसलमान ब्राह्मण शूद्र कैरपंथी वैष्णव वेदांती आर्य समाजी राधा स्वामी वाले निरंकारी वाले शिव उपासक कृष्ण उपासक, इनके शरीर में जो मिट्टी पानी आग हवा लगे हैं, हम लोग कैरपंथी हैं, तो हमारे शरीर में जो मिट्टी लगी है वो कैरपंथी मिट्टी है, और आपको जो आपके शरीर में जो लगी मिट्टी लगी है ना, वो किसी की शरीर में कृष्णपंथी मिट्टी है, किसी शरीर में रामपंथी मिट्टी है, ऐसा है? ऐसा होगा तो मुझे मालूम नहीं है। मूल जो तत्व है वह एक बराबर है, नाम हमने रखा है, जितने भी नाम हैं और जितने भी धाम या लोक हैं, इनकी कल्पना करने वाला आप है, इंसान है। और ये भी याद रख लें, जितने ईश्वर हैं, जितने परमात्मा हैं, जितने भगवान हैं, जितने मालिक हैं, कोई मालिक कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई गाड कहता है, कब तक है? जब तक धरती पर इंसान है तब तक। और जिस दिन धरती पर इंसान नहीं होगा, उस दिन धरती पर एक भगवान नहीं होगा। चंद्रमा में इंसान नहीं है, इसलिए ना देवी ना देवता ना मंदिर ना मस्जिद ना ईश्वर ना अल्लाह ना खुदा ना गाड। और जिस दिन चंद्रमा में इंसान चला जाएगा, रहने लग जाएगा, यहां से एक्सपोर्ट कर लेगा भगवान को, ले जाएगा अपने साथ, इंसान ही भगवान को पैदा करने वाला है। जहां जहां इंसान नहीं है वहां वहां कोई भगवान नहीं है, इंसान जहां जहां है वहां वहां भगवान है, नाम अलग अलग भले रख लिया गया है। ये सारे भगवान मन के खिलौना है बस। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मन वो खेल, उनको खेलने के लिए, भुलाने के लिए कुछ खिलौने होते हैं, ऐसे ही हमारे मन को बहलाने के लिए हमने अनेक खिलौना बना लिया, और खिलौनों को लेकर के हम लड़ते हैं। जैसे बच्चे छोटे छोटे दो चार बच्चे हैं, किसी के पास हाथी है, किसी के पास घोड़ा है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास और है, सब बच्चे कहते हैं मेरा खिलौना बड़ा। मैं घोड़ा वाला कहता है अरे मेरा घोड़ा देखो बहुत तेज दौड़ता है। हाथी वाला कहता है मेरा घोड़ा तुम्हारे मेरा जो हाथी तुम्हारे घोड़े को पटक देगा सूंड में उठा करके। और कहता है कार वाला कहते हैं तुम्हारा घोड़ा तुम्हारा हाथी मेरे कार की बराबरी नहीं करेगा। ऐसा हम कहते हैं मेरा भगवान बड़ा, वो कहता मेरा भगवान बड़ा। खिलौना तो खेलने के लिए होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ऐसे समझ लो। ये भी खेलने के लिए यहां छोटा बड़ा नहीं है। मूल बात पर मैं आ रहा हूं, इस जीव का जो विश्राम स्थल है वो कहां है, कहां जाना? सदगुरु कबीर की एक पंक्ति बीजक में एक शब्द है, कबीरा तेरो घर कंदरा में यह जग रहत भुलाना, गुरु की कही करत नहीं कोई अमहल महल दीवाना।
शकल ब्रह्मो हंस कबीरा कागन चोच पसाया मन मत कर्म धरे सब देही नाद बिन विस्तार। लंबा पद है, सूर्य पंक्तियां हैं। कबीरा तेरो घर कंदरा में, ऐ कबीरा ऐ लोगों, तुम्हारा जो घर है, तुम्हारा जो विश्राम स्थल है वह कंदरा में। कौन सी कंदरा, कौन सी गुफा? हृदय गुफा में। सबके हृदय में जो बैठा हुआ है वो कौन है? आप नाम उसका जो ले ले वही आप हैं। वो आपसे अलग नहीं है। हृदय गुफा ये भी कहने का तरीका है। शरीर संबंध से हम हृदय गुफा में कहते हैं। अनुभूति कहाँ होगी? अनुभूति आकाश पाताल में नहीं होगी। अनुभूति होगी तो हृदय में ही होगी। ऋग्वेद में विराट पुरुष परमात्मा की अवधारणा है। गीता में भी विराट पुरुष विश्वरूप दर्शन की बात आती है। अर्जुन को जब मोह हो गया था, कहा जाता है कि अर्जुन को जब मोह हो गया था तो उसे समझाने के लिए श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दर्शन करवाया था और उसको देख करके अर्जुन का मोह दूर हो गया। फिर वो लड़ा, फिर दादा काका बाबा नाना गुरु पीर सबको उन्होंने मारना शुरू किया। यदि यही विराट रूप दुर्योधन को दिखलाकर उसकी बुद्धि को बदल दिए होते तो इतने लड़ाई करने की आवश्यकता क्या थी? वो तो परमात्मा से कुछ भी कर सकते थे। लेकिन दुर्योधन की बुद्धि को बदल नहीं पाए। मरने मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा भगवान के पास। खैर, अलग प्रसंग है वो। उस गीता से पहले ऋग्वेद में विश्वरूप परमात्मा का वर्णन आता है, विराट पुरुष का। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद सब भूमि विश्वतो वृत्ताद अधितिष्ठ दशांगुलम। ये ऋग्वेद का एक मंत्र है। वो जो विराट पुरुष परमात्मा है उसके हजारों शीर है, हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ पैर हैं। सब भूमि विश्वतो वृत्ताद, वो भूमि में सब तरफ फैला हुआ है, सब तरफ व्याप्त है। लेकिन अतितिष्ठ दशांगुलम, भूमि में पृथ्वी में सब तरह से व्याप्त होकर के 10 अंगुल ऊपर बैठा है। अब इसका अर्थ क्या है? ऐसा कौन सा विराट परमात्मा है जिसको हजारों सिर है, हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ पैर है? वो कौन है? ये पूरा प्राणी समाज, प्राणी जगत, ये पूरा प्राणी मानव मात्र नहीं, प्राणी मात्र की जो समष्टि है, सबकी जो सामूहिकता है, वही विराट पुरुष परमात्मा है। अब कितने सिर हैं, कितने हाथ पैर हैं, कितनी आंखें हैं? असंख्य। मनुष्य परमात्मा थोड़े हैं, मनुष्य प्राणी थोड़े हैं, मानवेतर जो प्राणी है वो भी तो प्राणी है, उसमें भी तो जीव है। तो ये जितने भी प्राणी हैं सबकी जो समष्टि है, सबकी जो सामूहिकता है, वही विराट पुरुष परमात्मा है। और भूमि में पृथ्वी में सब तरफ व्याप्त है। पृथ्वी पर कहीं चले जाओ प्राणी मिलेंगे, नमनुष्य मिलेगा, कीड़े मकोड़े मिलेंगे, चींटी आदि मिलेंगे। हर तरफ वो व्याप्त है, हर तरफ वो फैला हुआ है। लेकिन 10 अंगुल भूमि में सब तरह से व्याप्त होकर के 10 अंगुल ऊपर बैठा हुआ है। 10 अंगुल का नाभि से नापी 10 अंगुल हृदय आएगा। पृथ्वी पर सब तरफ फैला हुआ है, लेकिन अनुभूति कहाँ होगी? नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय में। यही बात सदगुरु कबीर कहते हैं, दिल मा खोज दिल ही मा खोजो इहे करीम राम। जिस करीम और राम को तुम बाहर खोज रहे हो वो तो दिल में है। हृदय बसे ते ही राम न जान, हृदय में जो राम बस रहा है
उसे लोग नहीं जानते। तो साहब कहते हैं कबीरा तेरो घर कंदरा में, ए लोगों तुम्हारा जो विश्राम स्थल है, तुम्हें जो पूर्ण शांत आत्मिक संतुष्टि आत्मिक तृप्ति का अनुभव बाहर कहीं नहीं होगा, होगा तो अपने अंदर हृदय में। जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग तब सुख ना है, दिल पर दिल होना ये बहुत बड़ी बात है। जरा सोचें कि अभी हमारा दिल कहाँ लगा है, प्राणी में पदार्थ में रुपये में पैसे में जमीन में जायदाद में मठ में आश्रम में बाल बच्चों में चेला चाटी में पद में प्रतिष्ठा में, और ये सब के सब अल्प हैं क्षणभंगुर। निर्वाह के लिए सेवा के लिए इनकी आवश्यकता है वो बात अलग है, लेकिन स्थायित्व शाश्वतता नित्यता किसी में नहीं है। जवानी बालपन अल्प, अब हम लोग अपने बचपना को खोदने जाएं कहीं मिलने वाला है, कोई उपाय है लौटाने का? बचपना तो छोड़ दो, जवानी को खोजने जाएं कोई उपाय है जवानी को लौटाने का? चली गई, बुढ़ापा आ रहा है, बचपना अल्प हुआ जवानी अल्प हुई बुढ़ापा अल्प होगा, एक दिन जीवन ही अल्प हो जाएगा क्योंकि जीवन ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसी अल्पकालीन जीवन में ही हमें काम करना है। बात यह है जहां जहां हमारा दिल लगा हुआ है, जहां जहां हमारा मन लगा हुआ है, नित्य कुछ भी नहीं है, सब अनित्य है और स्थिर कुछ नहीं है, सब अस्थिर है अल्प है। इसलिए करना क्या है, शरीर के निर्वाह के लिए काम करना है, जिनके साथ रहते हैं उनके साथ सेवा प्रेम का व्यवहार करना है, लेकिन निर्वाह और सेवा प्रेम का व्यवहार करते हुए मन को आत्मचिंतन में लगा करके रखना है। कर से काम मन से राम कहें कबीर सरे दो का, शरीर से मेहनत और मन से आत्मचिंतन। मेहनत करेंगे व्यवहारिक उन्नति होगी, आत्मचिंतन करेंगे आध्यात्मिक उन्नति होगी, दोनों दिशा में हमें उन्नति करने की आवश्यकता, दोनों को बराबर संतुलित बना करके रखने की आवश्यकता है। इसलिए दुनिया के जो काम है वह करनी है, मननी अपना आत्म स्वरूप है, अपना स्वस्वरूप है, चेतन स्वरूप है। तो दुनिया आप दुनिया के किसी भी प्राणी पदार्थ में कहीं कुछ भी ले लो, आप अपने घर में रहते हैं घर की व्यवस्था करनी होगी, हम मठ में रहते हैं मठ में व्यवस्था करनी होगी, लेकिन व्यवस्था करते हुए भी मन को ऊपर उठा करके रखना पड़ेगा। जहां जो कैसे करना है वो सब करना होगा, लेकिन इसी करते हुए भी मन को उनमें डुबा करके नहीं रखना है, क्योंकि वहीं रहते हुए मन को ऐसा पका लें कि लगे रहते हुए भी नहीं है। एक उदाहरण से बात समझ में आएगी। नारियल, नारियल क्या है, उसमें क्या गुणवत्ता है, उसकी क्या विशेषता है, भारत वालों को बताने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। हर मांगलिक कार्यक्रम में नारियल का उपयोग होता है प्रायः। नारियल दो प्रकार का, एक कच्चा नारियल और एक सूखा नारियल। पहले तो नारियल में बिल्कुल पानी भरा होता है, बिल्कुल पानी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, पानी सूखता जाता है और अंदर एक मलाई जमना शुरू होता है। वो मलाई, पानी सूखता गया, मलाई जमती गई जमती गई जमती गई, और फिर एक दिन पूरा पानी सूख करके एक गरी बन जाती है, कच्ची गरी। और वो गरी जो होती है अंदर में जो गुदा है उसका छिलकी से वो गुदा चिपका हुआ होता है। जब हम कच्चे नारियल को तोड़ते हैं तो साबुत नहीं निकलता,
टूट करके निकलता हुआ उसे गरी छिलके से चिपकी हुई और छिलके निकालने के लिए चाकू हथिया छुरी आदि का प्रयोग करना पड़ता है और सावधानी न रखी जाए तो छुरी चाकू कभी कभी हाथ भी कट जाते हैं उंगली भी कट जाती है। तो कच्चे नारियल की जो गरी है वो गरी छिलके से चिपकी हुई है लेकिन उसे न तोड़ा जाए पेड़ पर रहने दिया वैसा कि उपाय किया जाए तो धीरे 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 पानी सूखता गया सूखता गया सूखता गया। एक दिन ऐसा आता है जो जो पानी सूखता गया अंदर की जो गरी है छिलके से अलग होना शुरू हुआ अब पूरा सूख गया तब वो जो गरी अंदर गोला है पूरा का पूरा अलग है उसी के भीतर पूरा का पूरा अलग है कैसे सूखता गया पकाता गया अपने आप को होता गया। ऐसे ही घर में रहना है संसार में रहना है। अब प्रश्न यह है कि कच्चे नारियल समान मन को चिपका करके रखना है या उसी घर में रहकर मन को पका करके अलग कर लेना है यह निर्णय आपका काम होगा। यदि कच्चे नारियल मोह बना करके आदत आसक्ति बना करके रखेंगे तो टूट टूट करके शरीर छोड़ना पड़ेगा रो रो करके अंतिम समय में हाय मेरा ये छूट रहा है हाय मेरा वो छूट रहा है हाय मेरा वो छूट रहा है टूट टूट करके जीवन का अंत हो जाएगा ये जिंदगी की हार होगी। लेकिन उसी घर में रहते हुए सेवा करते हुए प्रेम करते हुए व्यवहार करते हुए जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए पकाते जाए पकाते जाए पकाते जाए मोह न बनाए आसक्ति न बनाए पूरा काम करते जाएं उसी घर में रहते रहते जब मन पूरा पक जाएगा तो रो करके जीवन नहीं छोड़ना पड़ेगा फिर जिंदगी की जीत हो जाएगी। काम यही करना है चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो नियम दोनों के लिए है। आप घर में हैं घर में मोह बना लिए तो बंधन है हम मठ में हैं मठ में मोह बना लिए तो बंधने हैं। घर में तो वैसे तो घर में तो हम भी रहते हैं हमारे घर को मठ कहते हैं आश्रम कहते हैं मंदिर कहते हैं लेकिन जैसे आपका घर ईंट लोहा लकड़ी बालू सीमेंट से बना है हमारा आश्रम भी तो उसी से बना हुआ है और किससे बना हुआ है नाम में अंतर है बस। हाँ बस फर्क इतना होता है कि आश्रम सेवा साधना के लिए है लेकिन आश्रम में रहकर हमने सेवा साधना का काम तो नहीं किया मोह बना लिया लोभ बना लिया तो जैसे आपका घर बंधन में डालता है वैसे हमारा मठ भी हमें बंधन में ही डालेगा बचाएगा नहीं मठ। बात मैं ये कह रहा था दिल पर दिल लगाने की अभी दिल कहां लगा हुआ है जो अल्प है अस्थिर है क्षणभंगुर है मिलकर के छूट जाने वाला है उनमें लेकिन उन्हीं में काम करते हुए उनको उपयोग करते हुए मन को ऐसा उठाते चले जाए आत्मचिंतन करते चले जाए मन को इतना शुद्ध कर लें कि दिल मन आत्मचिंतन में डूबे कहीं बाहर भटके ना तब वो हृदय गुफा की बात आ जाएगी। तो बात यह है कि जिस परमात्मा को जिस ब्रह्म को खोज रहे हैं जो हमारा विश्राम स्थल है वो हमसे अलग कहीं बाहर नहीं है। साहब कहते हैं कबीरा तेरो घर कंदरा में ऐ लोग तुम्हारा जो पूर्ण विश्राम स्थल है जहां तुम्हें जाकर पूर्ण विश्रांति मिलेगी पूर्ण आत्मसंतुष्टि मिलेगी आत्म शांति मिलेगी वो तुम्हारे हृदय गुफा में रहने वाला आत्म तत्व में ही है और बाहर कहीं नहीं मिलेगी। और ये बात जो कबीर साहब कह रहे हैं यही बात नचिकेता को समझाते हुए यमाचार्य ने कठोपनिषद में कही थी अरोड़ेयान महतो महीयान आत्मास जंतो निहितो गुहायान तम कर्तु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मन। अरोड़ेयान जो अस्तित्व दृष्टि से सत्ता एग्जिस्टेंस की दृष्टि से अणु से भी अणु है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है ये जीव कितना सूक्ष्म है इस शरीर में जीव है तब मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं सारी क्रियाएं हो रही है और जीव निकल जाए तब सारी क्रियाएं स्थगित
फिर तो शरीर सड़ेगा, गलेगा, मिट्टी में मिलेगा। इस शरीर में जब तक जीव है तब तक इसकी कीमत है। कल श्री सज्जन साहब जी बता रहे थे, वैज्ञानिकों ने इस शरीर की कीमत 2 अरब कुछ करोड़ रुपया लगाया है, और जीव निकल जाए तब कितने पैसा मिलोगे आप लोग? मुफ्त में लेने तैयार है कोई? तो बेकार है। तो जिस जीव के आनंद से हो, जीव कैसा है? सूक्ष्म से सूक्ष्म है, ना नापा जा सकता है ना तौला जा सकता है, उसे कुछ नहीं कहा। साहब ने कहा है, हल्का गरवा जाए ना तौली, जीव हल्का है कि गरवा है कि ठंडा है कि गर्म है कि लंबा है चौड़ा है, कोई व्याख्या नहीं हो सकती। उपनिषद में बात यह भी आती है, किसी जिज्ञासु ने पूछा ऋषि से, गुरुदेव आप ये आत्मा की बात करते हैं, उपनिषदों में जीव शब्द का प्रयोग नहीं है, उपनिषदों में अधिकतम आत्मा शब्द का प्रयोग है, योग दर्शन और सांख्य दर्शन में न जीव शब्द का प्रयोग है न आत्मा शब्द का प्रयोग है, वहां पुरुष शब्द का प्रयोग है। लेकिन आत्मा पुरुष जीव नाम अलग अलग है। तथ्य एक है, तो जिस आत्मा की बात आप कहते हो वो जीव का आकार क्या है, स्वरूप क्या है, कितना बड़ा है जीव, अब ऋषि क्या बताए। लेकिन उत्तर देना है तो कहा गया, हमारा जो बाल है ना, बाल के नोक के 100वें या 1000वें हिस्से बराबर जीव है। ये भी तरीका है कहने का, जब बाल बाल का नोक चाचा जितना सूक्ष्म उसे नापा जा सकता है। जीव तो अदृश्य है, जो अभौतिक जीव है उसे भौतिक मेजर से, भौतिक पदार्थों से नापोगे कैसे उसको? लेकिन इसलिए ऋषि कहते हैं अनोरणीयान, जो अस्तित्व एग्जिस्टेंस के दृष्टि से, सत्ता दृष्टि से अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म है, लेकिन गुणों की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से महत्वमहीयान, महान से भी महान है वो जीव, वो आत्मा है। कहां? आत्माश जंतो निहितो गुहाया, वह जो आत्मा है प्राणियों के हृदय गुफा में है। यही बात कबीर साहब कर रहे हैं, कबीरा तेरो घर कंदरा में। कबीर साहब की वाणी समझना होगा तो उपनिषद और शास्त्र को समझना जरूरी है। केवल हम ऊपरी ऊपरी अर्थ कर लेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। आत्माश जंतो निहितो गुहाया, वो जो आत्मा है, वो जो जीव है प्राणियों के हृदय गुफा में है, मेरे हृदय में, आप सब सभी के हृदय में। लेकिन समझेगा कौन इसको? इसका अनुभव का साक्षात्कार केवल मनुष्य कर सकता है, क्योंकि मनुष्य में विवेक की शक्ति है, मनन की शक्ति है। लेकिन मनुष्यों में समझेगा कौन? तम क्रतु पश्यतो वीत शोक, कैसे? अकृत होना पड़ेगा। अकृत मतलब कर्म करते हुए भी कर्म प्रपंचों से उपरत। कबीर साहब के पद इसमें कहा गया, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। कर्म करते हुए भी अकर्मी होना होगा। अब कर्म करते हुए अकर्मी कैसे हो? कर्म करने के बाद फल की इच्छा छोड़ दो, कर्म करो बस, फल जो आना होगा सहज, अच्छा है तो, बुरा है तो, जो फल आ जाए सहज भाव से उसे स्वीकार करो। बुरा आ जाए, इच्छा के अनुरूप ना आ जाए तो दुखी मत होना, इच्छा के अनुसार आ जाए तो अहंकार मत करना। इसीलिए जो गीता में एक बात कही गई है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलस्तु कदाचन, गीता निष्काम कर्म की बात बार बार कहती है। क्यों कहती है? हमारा मन कर्म में डूबा हुआ नहीं होता, हमारा मन फल होता, ऐसा फल मिलेगा, वैसा फल मिलेगा। अरे भाई, कर्म तो बढ़िया करो, कर्म बढ़िया करो, फल अपने आप बढ़िया। फल के बारे में मत सोचो, कर्म के बारे में सोचो कि मेरा जो कर्म, जो काम मैं करने जा रहा हूं, कितना बढ़िया से बढ़िया ये काम हो जाएगा। और हर कर्म को पूजा समझ कर, पूजा समझ, कर्म ही पूजा है। और किसी भी काम को
जो भी काम करना है ये समझो कि शायद दोबारा इस काम को करने का अवसर मुझे न मिले, अंतिम बार ये काम कर रहा हूं, जब अंतिम बार कर रहा हूं तो बढ़िया से बढ़िया करूं, डूब करके करो, फल बढ़िया आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं ऐसा करूंगा, बढ़िया प्रवचन करूंगा, बढ़िया लोग शाबाशी देंगे। अरे शाबाशी के लिए प्रवचन कर रहे हो, अपने समझाने लोगों समझाने के लिए प्रवचन, शाबाशी पर ध्यान है, प्रवचन बढ़िया नहीं बनेगा। जीवन पर ध्यान है, कोई शाबाशी दे या ना दे, धन्यवाद दोनों को। बात हर काम में यही है। तो अकृत होना होगा, कर्म करते हुए भी अकर्मी, मतलब निष्काम। फल जो आ जाए स्वीकार करना, सम्मान मिले सम्मान देने वाले हैं धन्यवाद, अपमान करने वाले हैं धन्यवाद। सुख से जीना चाहते हो तो निंदा करने वाले प्रशंसा करने वालों वाले दोनों के लिए अंदर से धन्यवाद निकालो। निंदा करने निंदा सुन करके अमर्ष हो गया मन में, प्रशंसा सुन करके हर्ष हो गया, अभी संसारी भाव मन में बना हुआ है, ये साधु कपड़ा काम नहीं करेगा। साधु वह है जो हर्ष और अमर्ष दोनों से ऊपर उड़ जाता है, निंदा प्रशंसा दोनों से। यद्यपि निंदा किसी को पसंद नहीं है, लेकिन कोई निंदा कर रहा है तो उसमें हम क्या, यदि मैं सही हूं मुझसे कोई गलती हुई ही नहीं है तो निंदा सुनकर मुझे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। और यदि मैंने काम गलत किया है, मुझसे गलती हुई है तो निंदा सुन करके उस गलती को सुधारने की आवश्यकता, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। और यदि मेरा काम सही है, कोई प्रशंसा करे या ना करे क्या फर्क पड़ता है, कोई प्रशंसा कर रहा है मुझे सोचना है मुझे और कैसे अच्छा काम करूं जिससे लोगों को सुख मिले, बस अकर्मी हो जाएंगे। ये प्रसंग लंबा है इसको नहीं खींचूंगा। तो हृदय गुफा में वो जीव बैठा हुआ है, देखेगा कौन, अकृत जो हो जाएगा, कर्म प्रपंचों से ऊपर जो हो जाएगा वह, और बीज शोक जो बीज शोक हो जाएगा, शोक से मुक्त। छांदोग्य उपनिषद में बात आती है, नारद जाते हैं सनत कुमार के पास और कहते हैं भगवान मैंने सुना है कि जो तत्ववेत्ता पुरुष होते हैं आत्मवेत्ता पुरुष वे शोक से पार हो जाते, तरत शोकम आत्मवित, जो आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं शोक से पार हो जाते हैं। भगवान मैं शोक करता हूं, मैं मंत्रवेत्ता हूं, तत्ववेत्ता नहीं हूं, आत्मवेत्ता नहीं हूं, आप मुझे आत्मज्ञान दे करके शोक से पार कर लगा दे। तब सनत कुमार नारद से पूछते हैं, नारद पहले तुम ये बताओ कि तुम क्या जानते हो ताकि उन बातों को मुझे रिपीट ना करना पड़े। तो वहां नारद कहते हैं छह शास्त्रों को जान, चार वेद को जानता हूँ, छह वेदांग को जानता हूँ, सात जानता हूँ, सर्व विद्या, गंधर्व विद्या, नृत्य विद्या, धनुर्विद्या, आयुर्विद्या, लंबी सूची नारद ने वहां प्रस्तुत की है। तब सारी बात सुन करके सनत कुमार कहते हैं कि नारद तुम तो केवल संज्ञा को रट लो, संज्ञा मतलब शब्दों को रट लिए हो, फिर पूछते भगवान शब्दों बड़ा होता है, लंबी सूची है। बात मैं ये कह रहा हूं, शास्त्र ज्ञान से हमें हम विद शोक नहीं हो सकते, शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता है, शास्त्र ज्ञान निरर्थक है मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कोरा शास्त्र ज्ञान हमें विद शोक नहीं बना सकता है, उसके लिए चाहिए आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान के साथ साथ विषय विरक्ति। कोरा आत्मज्ञान भी हमें विशोक नहीं बनाएगा, आत्मज्ञान तो है मैं शुद्ध वो चेतन आत्मा हूं, लेकिन विषयों से विरक्ति नहीं, लोभ मोह नहीं है, ये कोरा मैं शुद्ध वो आत्मा हूं कहते कहते नरक में चले जाना होगा। तो आत्मज्ञान भी चाहिए और वैराग विषय विरक्ति भी चाहिए, जब दोनों हो जाएगा तब विशोक हो जाना होगा। तो जो अकृत हो गया और विद शोक जो हो जाएगा वो आत्म साक्षात्कार करिए, कैसे, धातु प्रसादान महिमानम आत्मना, धातु के प्रसाद होने पर, धातु के दो अर्थ हैं, प्रसाद के भी दो अर्थ हैं, अर्थ तो अनेक हैं,
ईश्वरवादी मानते हैं कि धातु धाता ईश्वर परमात्मा जब प्रसाद कृपा जब परमात्मा की कृपा हो जाएगी तब आत्मा अपनी महिमा में स्थित हो जाएगा। ये भक्तों का अर्थ है। स्वामी शंकराचार्य इसकी व्याख्या करते हैं जहां इन्होंने इस उपनिषद की व्याख्या की है वहां स्वामी शंकराचार्य धातु मतलब धातु जो धारण करे हमारा मन और हमारी इंद्रियां इस जीवन को धारण करते हैं। धारण इस शरीर को धारण करने वाला कौन है? आंख नाक कान जीभ त्वचा पांच ज्ञानेंद्रिय और मन साथ साथ कर्मेंद्रिय भी है। तो धातु जो धारण करे जीवन को धारण कौन करता है? धारण करने वाली ही इंद्रियां और मन। प्रसाद मतलब पवित्रता स्वच्छता। प्रसाद का अर्थ कृपा भी है। एक प्रसाद जो हम बांटते हैं प्रसाद का अर्थ कृपा भी है और प्रसाद का अर्थ निर्मलता भी है पवित्रता भी है। धातु प्रसादान जब मन और इंद्रियों के सारे कर्म पवित्र हो जाएंगे इंद्रियों के कर्म व्यवस्थित संयमित तो मन पवित्र हो जाएगा और जब मन पवित्र हो जाएगा तब महिमानम आत्मना आत्मा अपनी महिमा में स्थित हो जाएगा। फिर तो हृदय गुफा में विराजमान उसका है ही भटकना कहाँ है। तो कबीरा तेरो घर कंदरा में यह जग रहत भुलाना। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐ लोगों जिस मुक्ति धाम को जिस कैवल्य धाम को जिस तुम बाहर खोज रहे हो वो तो तुम्हारे हृदय गुफा में है। जिस परमात्मा को तुम बाहर खोज रहे हो वो तो तुम्हारे हृदय गुफा में ही है। लेकिन यह जग रहत भुलाना शब्दों को सुन सुन करके सारा संसार भटक रहा है। अमुक जगह परमात्मा है अमुक जगह परमात्मा है अमुक जगह परमात्मा है अमुक जीव मर करके मुक्त होकर अमुक लोक में जाएगा। कितने देखा है भाई जो मुक्त होकर के चला गया वो तो लौटकर बताया नहीं। जितने लिखा है वो अभी मुक्त हुआ ही नहीं है। तो जो जितने जो मुक्त हुआ जो मुक्त नहीं हुआ है उसने लिखा तो उसकी बात तो झूठी है क्योंकि अभी वो अनुभव ही नहीं उसका। और जो मुक्त हो गया वो लिखने के लिए आएगा नहीं। थोड़ा विवेक करो सारे शास्त्रों को आदर दो। जितने शास्त्र रचिता ऋषि मुनि हैं हमारे लिए पूजनीय हैं आदरणीय हैं श्रद्धेय हैं। कम से कम हमसे तो बड़े हैं इसलिए सभी मत पंथ संप्रदाय के चाहे दुनिया के किसी कोने के मत पंथ संप्रदाय हो जितने ऋषि मुनि पीर पैगंबर हैं सबके प्रति हमें सम्मान रखना है आदर भाव श्रद्धा भाव रखना है। लेकिन आंख मूंद कर किसी की बात नहीं मानना है। विवेक युक्त जो बात हो विवेक प्रकृति के कारण कार्य व्यवस्था विश्व के शाश्वत नियम तर्क इस ये जिनका समर्थन करते हैं वह बात आदरणीय है। इसलिए जितना पढ़ सकते हैं उतना शास्त्रों को पढ़ें और स्वयं विचारें विवेक करें कि कौन बात सही है कौन बात गलत है। जब विवेक युक्त बात लगे तो मान लीजिए। लेकिन कहीं कबीर भटकर फिरे पकड़ इस शब्द की शान। लोग कहते हैं सदगुरु कबीर कहते हैं शब्दों की छाया पकड़ करके ये लोग भटक रहे हैं। साहब लिखा है आप नहीं मानते? लिखा तो है लेकिन कहां लिखा है किसने लिखा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। क्या लिखा है यह महत्वपूर्ण है। लोग कहते हैं हमारा जो शास्त्र है आप तो प्रमाण है कसौटी क्या है आप तो आप शास्त्र के आत्म प्रमाण होने के। जो लोग कहते हैं हम तो लिखी बात मानेंगे ऐसा कहने वाले लोग ही दूसरे मत की लिखी बात को नहीं मानते। इसका मतलब आप खुद विचार कर रहे हैं। ये भी कहा गया है महाजनों इन गता का पंथा। पंथ कौन है? महाजन जो गए हैं महाजन। अब महाजन कौन है? बुद्ध महाजन है महावीर महाजन है राम महाजन है कृष्ण महाजन है शिव महाजन है शंकराचार्य महाजन है कबीर कनाद महाजन है ईसा मूसा महाजन है। अब इन महाजनों में किसको मानोगे भला आप बताओ तो? महाजन तो सभी हैं।
कैसे कह सकते हो कि बुद्ध महाजन नहीं है, कैसे कह सकते हो कि कृष्ण महाजन नहीं है, कैसे कह सकते हो कि कबीर महाजन नहीं है, कैसे कह सकते महर्षि में ही महाजन नहीं है, हमारे गुरु ही महाजन हैं, ये कैसे कह सकते हो? सभी के गुरु महाजन हैं, इन्हें सभी गुरुओं को आदर दें, लेकिन आंख मूंद करके किसी की बात न माने, जब तक न देखे निज नैना तब तक न माने गुरु की बहना, ये कबीर की वाणी है। जब तक तुम्हारा विवेक गवाही न दे तब तक गुरु की बात को भी आंख मूंद करके मत मानो। हो सकता है गुरु का कहने का कुछ अर्थ अलग हो, हम शाब्दिक अर्थ में भटक रहे हैं, बात मैं ये कह रहा था कि भटकने की आवश्यकता नहीं है, विवेक करने की आवश्यकता है और विवेक करके ठहरने की आवश्यकता है। ठहरना क्या क्या है? शरीर का ठहरना नहीं, जब तक शरीर है तब तक तो कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। साहब कहते हैं जो लोग कर डोले पगुचाले तो लो आत्मा कीजिए, जब तक तुम्हारे हाथ पैर में ताकत है दूसरे का भरोसा मत करो, कुछ न कुछ काम करते रहो। शरीर ही गतिमान है, लेकिन ठहरना क्या है? मन का ठहरना। मन जो चंचल बना हुआ है, अनेक प्रकार की विकारी भावनाएं मन में जो आ रही हैं, उन मन को शांत कर लेना है। कैसे? विवेक द्वारा, विचार द्वारा, संयम द्वारा, साधना द्वारा, ध्यान द्वारा। जरा कल्पना करो, सोचो, जब हम गाढ़ी में पहुंच जाते हैं, पहले तो अभी हम जाग रहे हैं, आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, जीभ से स्वाद ग्रहण कर, सब कुछ हो रहा है, मन हमारा दौड़ रहा है, मन हमारा सोच रहा है, और जितना सोच रहा है उतना चंचल बना हुआ है, अशांत है मन में। जब सोने जाते हैं अर्धनिद्रा की स्थिति होती जिसे हम सपना कहते हैं, वहां भी देखे सुने भोगे के संस्कार उदित हो जाते हैं। सपना में भी हम देखते हैं कलकत्ता में, क्षण में बंबई में, क्योंकि सपना में दृश्य बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं, अचेतन हमारा अनकॉन्शियस माइंड उसमें जागता रहता है, वहां भी हम सुखी दुखी होते रहते हैं सपना में भी, जैसे अभी सुखी दुखी हो रहे हैं जागृत अवस्था में, लेकिन सपना भी आगे चले गए, प्रगाढ़ सुसुप्ति साउंड स्लीप में जब चले गए, मन पूरी तरह से शांत, मन पूरी तरह से सोचना, मन शांत हो गया, कितनी शांति रहती उस समय। क्यों? क्योंकि जब मन शांत हो गया तब हम अपने आप में होते हैं। जब तक मन सोच रहा है हम दुनिया में जी रहे हैं, संसार और जीव के बीच में मन पुल है, दोनों को जोड़ने वाला। सुसुप्ति में जब मन शांत हो गया, शरीर है, हम अपने आप में हैं, तो जब पूरी तरह से सुसुप्ति हो गई, मन शांत, तो अपने आप में, उसमें कितनी शांति होती है। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में निद्रा को सुसुप्ति कहा गया है, और सुसुप्ति की व्याख्या की गई है स्व अपीति, अपने को पाना। नींद में, जागृत में हम दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया को पा रहे हैं, सुसुप्ति में भी संकार में दुनिया को पा रहे हैं, नहीं स्वप्नावस्था में, लेकिन नींद में हम अपने को पा गए हैं, क्योंकि मन शांत है। यही काम जीते जी करना, जीते मतलब जागते जागते करना होगा, होश हवास में करना होगा, क्योंकि सुसुप्ति से हम जैसे बाहर आते हैं फिर मन के संस्कार संसार के खड़के खड़ा होते, फिर वही राग द्वेष, फिर वही हानि लाभ, फिर वही हर्ष शोक की स्थिति आ जाती है, लेकिन जागते जागते व्यवहार का जो काम है वो काम करते हुए, सेवा करते हुए, भक्ति करते हुए, संयम करते हुए, साधना करते हुए, अभ्यास करते हुए, ऐसा मन को मांज लेना है और अभ्यास द्वारा मन को ऐसा ठहरा लेना है। धातु प्रसादान कहा गया है ना, मन जब पूर्ण पवित्र होकर के अंतर्मुख हो गया, आप अपने हृदय गुफा में पहुंच गए, आत्मा उसको आप चाहे ब्रह्म लोक की प्राप्ति कहो, आत्मलोक की प्राप्ति कहो, शिवलोक गोलोक की प्राप्ति कहो, धुरधाम की प्राप्ति कहो, निर्वाण की प्राप्ति कहो, आपकी मर्जी, लेकिन वो आपका अपने आप में स्थित हो जाना है। अपने आप में स्थित हो गए, वहां पाना कुछ नहीं है, भगवान से मिलना। भगवान से मिलोगे कैसे? गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जाना भाई, मन और मन से सोचने तक जहां तक आएगा सब
माया है। देखी सुनी गुनी मनमाही मोह मूल परमार्थ नहीं, जो देखने में सुनने में गुनने में आएगा मोह का कारण बनेगा परमार्थ नहीं। भगवान से मिलेगा मिलोगे कैसे? आंख से देखोगे रूप होगा, कान से सुनोगे शब्द होगा, नाक से सुनोगे गंध होगी, जीभ से देखोगे स्वाद होगा, और त्वचा से छुओगे स्पर्श होगा, मन से सोचोगे कल्पना होगी। परमात्मा कैसे होगा वो? परमात्मा तो वह है जो आंख से नाक से कान से देखने सुनने का काम कर रहा है, वो आप हैं। सारी इंद्रियां शांत बस अपने आप में हो गए। इले सदगुरु कबीर कहते हैं तुम्हें तुम्हारा पूर्ण विश्राम स्थल जहां जाओ इस जीव को पूर्ण विश्रांति मिलेगी, पूर्ण शांति मिलेगी, वो बाहर नहीं हृदय गुफा में। कबीरा तेरो घर कंदरा में यह जग रहत भुलाना। साहब कहते तुम्हारा घर तुम्हारा विश्राम स्थल तुम्हारे हृदय गुफा में है, इसलिए अपने मन को लौटा करके बाहर से आत्मस्थित जो चेतन है, हृदय विराजमान जो राम तत्व है उसमें लीन कर दो, पूर्ण विश्राम मिल जाएगा, जीते जी कैवल्य का मोक्ष का निर्वाण का अनुभव हो जाएगा। ये कबीर साहब के विचार नहीं है, ये सब दुनिया के सभी जो तत्वविवेकी संत हैं उनका विचार है, उपनिषदों ऋषियों का भी यही विचार है। हमें बात को समझना है और समझ करके इसी शरीर संसार में रह करके सेवा भक्ति संयम साधना प्रेम विश्वास का व्यवहार करते हुए मन को मांझ कर अंतर्मुख आत्मलीन कर लेना है, पूर्ण विश्रांति पूर्ण आत्म शांति का अनुभव हो जाएगा और हमारा जो कुछ कर सब कुछ का करना मानव जीवन माना सार्थक हो जाएगा। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम।